ये लोग सिर्फ जबान नहीं कलम के भी बेईमान हैं। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी तीन गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का जो आपको नजर आता है, एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का जो आप समझते हैं, एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। तीन ठग बंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बाकी के सब मुद्दे आपने उठाए और तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी। मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूंगा, किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब एससीबीसी के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहां के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी जब एपीएमसी की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना, तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? 15.5 करोड़ किसान देश में हैं एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक, और अगर मुझे सही याद है तो 1 करोड़ 75 लाख के करीब बिहार प्रदेश में। तो क्या आप उनके खेत में जाकर एमएसपी देंगे? एफसीआई तो 42,000 देश की मंडियों में एमएसपी नहीं दे पाती, तो खेत में कैसे देंगे? इसीलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले विधानसभा के सत्र में इन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी और किसान को गुलामी की इस बेड़ियों से जो भाजपा ने डाली हैं उनसे आजादी दिलवाएंगे। पहली कलम से मंत्रिमंडल में नौजवान की और विधानसभा के पहले सत्र में किसान को इन बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।